स्वागत आप सभी का एक बार पुनः, और बताएंगे आपको एक बड़ी खबर जो कि आ रही है नागौर से। देखिए, आरएलपी ने गीता डांगा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मुड़ावा पंचायत समिति से आरएलपी की प्रधान है गीता डांगा। पार्टी महासचिव मनीष चौधरी ने निर्णय लिया, अनुशासन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया। देखिए, क्यूंसर भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा की पत्नी है गीता डांगा। कल वोटिंग होनी है और देखिए आज ये कार्रवाई हुई है। आरएलपी ने गीता डांगा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मुंडावा पंचायत समिति से आरएलपी की प्रधान है गीता डांगा। पार्टी महासचिव मनीष चौधरी ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया। क्यूंसर भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा की पत्नी है गीता, ये भी एक जानकारी आपको दे दें। तो बता दें कि क्यूंसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव लड़ रही है। दामोदर इनानी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, बात करेंगे दामोदर से। दामोदर, अनुशासन समिति की कौन सी ऐसी सिफारिश जिसके ऊपर यहां पर निलंबन की कार्रवाई हुई है गीता पर? जी बिल्कुल आशीष, देखिए बताना चाहूंगा कि जो मुंडा प्रधान गीता देवी है उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया गया, क्योंकि जो गीता देवी है वो भाजपा प्रत्याशी, जो क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र से अभी भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा है, उनकी धर्मपत्नी है गीता देवी। और इस प्रकार गीता देवी द्वारा भाजपा का मंच का संचालन किया गया, मंच पर जो उपस्थिति दी गई उससे लेकर पार्टी में विरोध जताया गया और पार्टी की जो अनुपालना है उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई की गई है। जो महासचिव मनीष चौधरी है उनके द्वारा आज जो गीता देवी है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी शुक्रिया दामोदर आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के। तो आरआरपी ने गीता डांगा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वजह साफ है कि इनके पति बीजेपी से कैंडिडेट है, उन्होंने मंच संचालन किया, इस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की और ये कार्रवाई हो गई है कल मतदान से पहले।